दोस्तों वेलकम है मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का और चलिए आज मैं ये जो मेरे मदर प्लांट्स हैं जेड प्लांट को मैं करने वाली हूँ पॉट चेंज करने वाली हूँ फिर से इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे रूट्स इसके ऊपर आ गए हैं और मुझे देखना पड़ेगा अंदर की मिट्टी मतलब कि कम पड़ गई है क्या देखिए सारे रूट्स वगैरह सब इसके पूरे ऐसे ही रूट्स देखिए कितनी ऊपर ऊपर आ गई है जब भी मैं गुड़ाई करती हूँ सारे रूट्स ही कट कट के निकलते हैं तो इसे बस फिर से मैंने बहुत मतलब जब से लगाया है इसी पॉट में ये लगा हुआ है और फिर से मैं इसको चेंज भी नहीं करी हूँ और कितनी सारे कटिंग्स इससे मैंने तैयार किए हैं और कितने जुगाड़ से मैंने इसे देखिए इसकी स्टेम इस देखिए कितनी मोटी हो गई है आपको इसी से पता चल गया होगा कि कितनी ये कितनी साल पुरानी है मेरी ये ये प्लांट और देखिए कितने जुगाड़ से मैंने इसे बंद मतलब किया है और आज मैं इसी को करने वाली क्योंकि अभी मार्च का समय है अभी ये मैं कर लूँगी ना तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और कुछ खास ग्रोथ नहीं थी जिस तरह से होना चाहिए इसका ग्रोथ उस टाइप से इसका नहीं था फ्रेंड और उसकी वजह से ना प्लांट देखिए कितने लेगी लेगी से दिख रहे हैं आपको दिख रहे ना कितने दूर दूर की पत्तियाँ देखिए कितनी दूर दूर से है इसकी नहीं तो इतने अच्छे से ये बॉल सेप लेते हैं इतने अच्छे से इसकी प्रूनिंग करने के बाद और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो कुछ तो प्रॉब्लम है तभी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और वही आज मैं चेक करने वाली हूँ और उसके साथ साथ करूँगी रिपोर्टिंग तो सबसे पहले मैं ये धागा खोल लेती हूँ धागा धागा नहीं ये ढूहरी मैंने जो बांधा था इसे ये खोल लेती हूँ तो कैसे कैसे इसे जुगाड़ में मैंने बांधा था तो फ्रेंड मैं इसको खोल के सारे जितने भी ये तार वगैरह बांधा है मैंने इसमें स्टिक वग़ैरह जो देखिए इस टाइप से मैंने निकल भी नहीं रही है इस तरीके से मैंने इसे देखिए कैसे झुक से गए प्लांट इसको सारे को मुझे निकालना पड़ेगा और इस तरीके से मैं अच्छे से इसको लगाऊंगी जा तो देखिए फ्रेंड मैं इसको निकाल चुकी हूँ इस तरीके से गमले से और देखिए कितने रूट्स इसमें भरे पड़े हैं पूरा और इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ देखिए और ये कैसे झुक सा गया है प्लांट कितना मतलब कि वजनदार है ये पूरे वजन मतलब इतनी वजन है ना ये हाथों से भी मुझे पूरा भारी लग रहा है तो मैं दिखाती हूँ आपको पूरे मुझे इसकी मिट्टियाँ जो भी हल्की फुल्की है इसे हटा करके फिर से मुझे मिट्टी देना पड़ेगा और ये साइड से जितने सारे कटिंग लगे हुए हैं कटिंग नहीं ये साइड से इसी से निकले हुए हैं देखिए और सबको मुझे हटाना पड़ेगा और कुछ देखिए यहाँ पर गिर गए हैं एलाइज़म के सीड्स और उसी से ये प्लांट दिखे निकले हुए कितने सारी रूट्स ऊपर ऊपर दिख रही है आपको मैं दिखा रही हूँ और देखिए इस तरीके से तो देखिए ये वाली स्टेम है मैं इसको रखूँगी और यहाँ से सारे को मैं कट कर देती हूँ फ्रेंड तो सारे इसलिए कट कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे रखना नहीं है और एक ऊपर से ही मैं इसको सेप देने वाली हूँ तो जितने भी सारे यहाँ से है ना मैं सबको इस तरीके से कट कर दूँगी और देखिए और जड़ें तो पूरा मतलब कि फैल गई है नीचे देखिए आपको दिख रहा है जड़ें तो पूरा फैल गई है इस तरीके से मैं काट के आपको दिखाती हूँ और देखिए फ्रेंड मैं इसको यहाँ से ऐसे और देखिए ये बैलेंस में कैसे एक साइड वज़न पड़ रहा है इतनी बड़ी बड़ी एक हाथ से हो भी नहीं रहा है ये तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको सारे जिस तरीके से मैं ये रूट्स देखिए आपको ऐसे मैं लिटा के दिखाती हूँ फ्रेंड देखिए ये सारे रूट्स और कुछ मैं क्या करूँगी ना यहाँ से ऐसे हल्के से कट कर दूंगी ताकि इसमें मिट्टी मैं जो कि देने वाली हूँ वो अंदर से रूट्स दिखे कितने सारे इसके देखिए सारे रूट्स और अंदर मिट्टी हार्ड हो गया है सिर्फ रूट्स ही रूट्स दिख रहे हैं देखिए थोड़ा सा देखिए सारे रूट्स ही दिख रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ ऐसे हटा दूँगी ना तो ये क्या होगा ना देखिए और इतनी कड़ी धूप हो रही है आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है किसी को उम्मीद नहीं था कि फरवरी के ये मार्च अभी तो होली जैसे एक ही रहता है ना होली तक थोड़ी थोड़ी ठंड लगती रहती है लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है कि आ, मतलब कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है तो देखिए ऐसे ही में हल्की हल्की इसकी देखिए फ्रेंड इस तरीके से और साइड से भी थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे हटाने वाली हूँ ये इसे मैं इस तरीके से यहाँ सपोर्ट करती हूँ और देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ये सारी रूट्स जो है ना पर से ऐसे देखिए हल्की हल्की और कितनी मोटी मोटी रूट्स है देखिए और बहुत ही अच्छा है ये मतलब कि आसानी से आप इसको तो मैं दिखाती हूँ इसको पूरे करके या फिर इसका मिट्टी फिर मैं दिखाती हूँ आपको तो देखिए मैं इसको अच्छे से प्रून कर ली हूँ फ्रेंड क्योंकि एक हाथ से मेरा आ, मतलब कि एक हाथ से नहीं हो पा रहा था तो मैं कैसे आप लोगों को दिखाती आ, प्रून करते हुए तो देखिए मैंने कैसे ऊपर ऊपर सारे प्लांट को अच्छे से प्रून कर लिया है और अब इसकी वेट इसको सह जा रहा है लेकिन ऐसे इतनी वेट हो गई थी ना इतना वज़न बढ़ गया था इसका कि मतलब कि ये सह नहीं पा रहा था झुक सा जा रहा था गिर जा रहा था और कुछ मैं मिट्टियाँ देखिए इसकी हटा दी हूँ रूट्स आपको दिख रहे होंगे कितने रूट्स ओवर हो गए हैं और कितनी यहाँ पर मोटी मोटी दिखे दिख रही है ना कितनी मोटी मोटी रूट्स हो गई है यहाँ देखिए तो चलिए मैं दिखाने वाली यहाँ मिट्टी है और इसके लिए पॉट मैंने ये वाला खुद से बनाया था जो कि आप लोगों को दिखा रही हूँ नीचे मैंने एक चक्के पर मतलब कि स्टैंड जो होता है ना स्पेस को आ, रखी हूँ और देखिए इस तरीके से होल बनाई हूँ कलर अभी नहीं कर पाई हूँ कलर करूँगी बाद में इसको मैं कुछ डीआईवाई बनाने वाली हूँ इसके पर्पज़ से मैंने इसमें डाला है तो मैं जब इसका कलर करूँगी ना दिखाऊँगी आपको लेकिन इसका प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी था और रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ा क्योंकि अभी ये समय सही है कलर तो मैं कभी भी कर सकती हूँ तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी बाद में तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं ये खुद से बनाई थी अपने हस्बैंड की मदद ले करके और ये है मिट्टी मिट्टी में मेरा राइस हस्क है रेत है पहले से ही मिला हुआ है और और वह भी देखिए वही विंटर प्लांट के ही मिट्टी है जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर रहता है और इतनी हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो ये मिट्टी अभी वैसे कुछ हुआ नहीं है लेकिन कुछ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ आपको तो देखिए फ्रेंड इसमें मिलाने वाली हूँ ये है गोबर का खाद और ये है नीम की खली देखिए और ये मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है देखिए आपको दिख रहा होगा और थोड़ा सा बोन मिल लिया है और इधर एप्सन सोल्ट एफ्सन सोल्ट में अभी मिस्टेक से पानी चला गया तो कोई नहीं मैं इसमें मिट्टी में ही मिला के देने वाली हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो एक एक मुट्ठी के करीब मैं ली हूँ दो मुट्ठी मैंने नीमखली ली है दो मुठ्ठी देखिए लिप कम्पोस्ट और ये मैंने चार से पाँच मुठ्ठी लिया है देखिए इतना कर कर के गोबर की खाद क्योंकि ये देखिए इसमें फ्लावर तो होता नहीं है पत्तियों वाला प्लांट है जेड प्लांट है और पानी भी स्टोर करके रहता है और बोन बोनमिल भी डाला है जो कि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है तो ज़रूरी है इस इतना सा इसमें करना तो सभी को मैं देखिए इसमें ऐड करूँगी और एप्सम सॉल्ट तो गल चुके हैं तो मैं दूसरा ला कर के दे देती हूँ फ्रेंड इसको मैं कोई या फिर इसमें पानी डाल करके भी इसमें डाल सकती हूँ देखिए कोई नहीं हाथ से निकाल के दे देती हूँ थोड़ा सा पानी के साथ डाल दूँगी देखिए इस तरीके से मैं मिला करके मिट्टी में मिला लेती हूँ और देखिए जो कि मैं मिट्टी आपको दिखाई थी वही मिट्टी है तो देखिए फ्रेंड मैंने होल जो ऐसे ही थर्मोकोल की मदद से होल को कवर किया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मिट्टी देखिए क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा गहरा पॉट नहीं बनाई हूँ और इसमें फैला हुआ है तो इसके साथ मैं ना कुछ और साइड साइड से कुछ और भी लगा दूंगी तो वो अच्छा रहेगा और इसका आगे लुक भी बहुत सुंदर आने वाला है क्योंकि एक जेड प्लांट बस ऊपर की ओर मुझे लेना है इसको एक ट्री का सेप देना है तो उसके वजह से और देखिए फ्रेंड मैंने मिट्टी इतना सा डाला और अब मैं डालती हूँ एक इस प्लांट को इसके नीचे देखिए आपको दिख रही है ना कैसे है ये और इसको मैं ऐसे ही बीच सेंटर में देने वाली हूँ देखिए ताकि ये सुंदर सा एक सेप ले ले देखिए ऐसे ही मैंने देखिए फ्रेंड और थोड़ा सा अंदर इसलिए मैंने डाला है इसको क्योंकि रूट्स इसकी देखिए कितनी ऊपर हो गई थी और अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी तो देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मिट्टी और अच्छे से मिट्टी मैं फिल कर दूँगी इसको मिट्टी फिल करने के बाद मैं कुछ भी इसमें जैसे कि और भी एक्स्ट्रा प्लांट होगा तो साइड से इसे जरूर लगा दूंगी और देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड थोड़ी सी रूट इसकी तो देखिए फ्रेंड मैंने इसमें अच्छे से लगा करके रेडी कर दी हूँ और बहुत सारे कटिंग देखिए इधर इतने सारे बच मतलब हो गए हैं तो इसको मैं सभी को मैं कटिंग लगा लूँगी अच्छे से और अब देखिए मैं डाल दूँगी इसमें पानी तो मेरे पास फंगी साइड पाउडर नहीं था और मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी देखिए हल्दी का पानी बहुत ही अच्छा होता है ये भी एक फंगी साइड पाउडर का ही काम करता है लेकिन ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छा तो इसी को मैं अपने इसमें देखिए पानी मैंने इसमें पहले से ही ले लिया है और इसको मिला करके मैं अच्छे से प्लांट में पानी डाल दूँगी तो फ्रेंड देखिए इसी तरीके से अब मैं पानी डाल दूँगी और पहले से मुँह घमा लेती हूँ देखिए इस तरीके से आप पानी डाल दें अच्छे से प्लांट में इससे क्या होगा ना कि कोई भी तरह का प्लांट में फंगस नहीं लगेगा देखिए अच्छे से और मैं अच्छे से नहलाते हुए इसको पानी डाल दूँगी तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये जेड प्लांट के पे रिपोर्टिंग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन पे जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और देखिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी अब ये मेरे प्लांट अच्छा सा ट्री शेप ले लेगा तो फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छा से मैंने कर दिया और पॉट देखिए कितना अच्छा मैंने बनाया साइड से बहुत सारे प्लांट मैं इसमें लगा लूँगी और देखिए मिट्टी ऐसे ही वेल्डर न जो कि पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए इसी तरीके से देखिए कितना थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ क्योंकि देखिए चौड़ा पॉट है चौड़े मुँह वाला पॉट मैं बनाई थी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू फ्रेंड